नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेवाड़ केसर के बारे में, जिसे मेवाड़ केसरी कहा गया है। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप के बारे में सबसे पहले आरंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। एकमात्र राजपूत शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की वो था महाराणा प्रताप। अकबर जैसा शासक भी महाराणा प्रताप के नाम से घबराता था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह दित्य और माता का नाम था जयवंता बाई। पीछे कलर के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप किस राजवंश से संबंध रखते थे, तो महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत वंश से संबंध रखते थे। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के शासक बनते हैं और इन्होंने अपने जीवन में मुगलों के खिलाफ अभियान जारी रखे। उनमें फेमस था हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। यह युद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह और राजपूत सेना का नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप ने। इतिहासकारों की माने तो अकबर ने अपने जीवन में कभी भी महाराणा प्रताप के साथ आमने सामने का युद्ध नहीं किया, क्योंकि अकबर को इस बात का डर था कि जिस दिन वह महाराणा प्रताप से आमने सामने का युद्ध करेगा उसी दिन ही वह मारा जाएगा। इसलिए जितनी बार भी अकबर ने अपनी सेना भेजी महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए, उसमें अलग अलग सेनापति होते थे। हल्दी घाटी को युद्ध को नाम दिया गया है मार्को पल्ली ऑफ मेवाड़। ये क्वेश्चन आरपीसी में पूछा गया था कि मार्को पल्ली ऑफ मेवाड़ किस युद्ध को कहा गया है, और ये नाम दिया था कर्नल टाड ने। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अकबर की विशाल सेना और सेनापति मानसिंह के साथ राजपूत सेना ने भयंकर युद्ध किया और इस युद्ध के अंदर मुगल सेना जब हार की कगार पर थी उसी समय अकबर ने राजपूती लिबाज में मुगल सैनिकों को भेज दिया और महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन फिर भी यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। ना तो इस युद्ध में मुगल पूरी तरह जीत पाए और ना ही वे महाराणा प्रताप को पकड़ सके।
अकबर ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि हल्दी घाटी का युद्ध ना तो हम जीत पाए ना ही हम प्रताप को पकड़ पाए। इसके बाद 1577 से लेकर 1582 तक अकबर 1,00,000 सैनिकों का सैन्य अभियान चलाता है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, परंतु वे असफल होते हैं। इतिहासकारों ने दूसरा युद्ध दिवेर घाटी युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी के अंदर दिवेर घाटी का युद्ध होता है, जिसे कहा गया है मैराथन ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप की तरफ से एक पठान शासक लड़ा था, नाम था आकिम खान सूरी पठान। आकिम खान सूरी ने एक बात कही थी कि मुगल की क्या बात करें मुगलों की, मुगलों ने तो युद्ध हमेशा छल से जीते हैं, बात करें तो राजपूतों की जिन्होंने युद्ध हमेशा बाहुबल से जीते हैं। और वो बात सत्य थी। मैराथन ऑफ मेवाड़ ये कहा गया है दिवेर घाटी युद्ध को। इससे पहले 490 ईस्वी पूर्व यूनान और फारस के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसे मैराथन युद्ध की संज्ञा दी गई थी, जिसमें यूनान की सेना विजय हुई। दिवेर घाटी के युद्ध के अंदर अकबर ने 1,00,000 की सेना और राजपूतों के पास 20,000 की सेना थी। इस युद्ध के अंदर दिवेर घाटी के युद्ध के अंदर मुगल सेना का नेतृत्व किया था सुल्तान खान ने, और बहलोल खान। इतिहासकारों की माने तो महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से बहलोल खान और उसके घोड़े को दो भागों में विभाजित कर दिया, जिससे एक कहावत बनी कि मेवाड़ का राजपूत घोड़े समेत सवार को एक ही वार में दो भागों में बांट देता है। सुल्तान खान महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह ने अपने भाले के एक ही वार से सुल्तान खान और उसके घोड़े को दोनों को बीन दिया, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय होती है दिवेर घाटी के युद्ध के अंदर। इतिहासकारों की माने तो ये हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा पार्ट था, और 1582 से लेकर 1594 ईस्वी तक अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाता, और यह मुगल बादशाह की सबसे बड़ी करारी हार थी। इस प्रकार महाराणा प्रताप मुगलों के द्वारा जीते गए अपने सभी प्रांत वापिस ले लेता है और अपनी राजधानी स्थापित करता है चावंड। जो भी मुगल सैनिक इस चावंड राजधानी से गुजरता था उसे यहां कर देना होता था। 1597 ईस्वी को 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की पतंगा खींचते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप मेवाड़ रियासत का 13वां शासक था, और इसके शासन काल के अंदर
अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं किया सामने का। ये था महाराणा प्रताप। और आगे चलकर इसका उत्तराधिकारी होता है अमर सिंह। महाराणा प्रताप दो चीजों के लिए फेमस था। एक इसका प्रसिद्ध घोड़ा था। ये पेपर में क्वेश्चन आता है चेतक। इतिहासकारों की माने तो पहला घोड़ा विश्व का ऐसा था जिसने अपने सवार को खुद चुना था, और दूसरा था हाथी। पिछली बार राजस्थान पटवार के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। राम प्रसाद। अल्दी घाटी के युद्ध के दौरान एक नाले को पार करते समय चेतक घायल अवस्था में वीर गति को प्राप्त होता है, और हल्दी घाटी के अंदर चेतक की समाधि बनी हुई है। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप 110 किलोग्राम वजन का व्यक्ति, 7 फुट 5 इंच हाइट और 72 किलो का भाला लेकर चलने वाला व्यक्ति, और सबसे ज्यादा प्रशंसनीय चेतक जो इतने वजन को लेकर दौड़ता था। ये था महाराणा प्रताप, मेवाड़ रियासत का 13वां शासक। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेवाड़ के अगले शासक और महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह की।